विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में मोदी सरकार को चुनौती दी गई है कि वे 4 महीने में राम मंदिर को लेकर निर्णय लें, अन्यथा जो भी फैसला होगा वह फिर विश्व हिंदू परिषद करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों पर संतों और संघ ने पूरा संतोष जताया, इसके बावजूद लोकसभा चुनाव की चिंता के बीच मंदिर का प्रस्ताव रखते हुए केंद्र सरकार को 4 महीने की मोहलत और दी गई है और यह तय हुआ है कि फिलहाल भी लोकसभा चुनाव तक कोई नया आंदोलन खड़ा नहीं करेगी, लेकिन पूरे देश में जन जागरण मुहिम चलाई जाएगी। मंदिरों में सामूहिक रूप से श्री राम के नाम का जप करके प्रार्थना की जाएगी। उन्होंने यह कहा कि चुनाव का बिगुल बजने वाला है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर विरोधी दल मंदिर आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, इनसे सावधान रहा जाए और दोबारा नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन धर्म संसद में कोई नतीजा न निकलने पर कुछ लोग भड़क भी गए और नारेबाजी तथा हंगामा करने लगे और यह कहकर कि सिर्फ केंद्र और प्रदेश का गुणगान हो रहा है, राम की चिंता किसी को नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।